स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अजय राय की बड़ी मुश्किलें केस दर्ज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कांग्रेस नेता अजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सोनभद्र के सीओ सिटी राहुल पांडे ने जानकारी दी है कि थाना रॉबर्ट्सगंज में धारा 354A, 501, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं अब अजय राय से पुलिस पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अजय राय ने कहा है कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था, यह हमारी बोलचाल की भाषा है जिसका अर्थ है कि कोई अचानक प्रकट होता है, कुछ कहता है और फिर गायब हो जाता है, यह अनसंस्थीय भाषा नहीं है तो मैं क्या माफी मांगू। अजय राय ने सोमवार को सोनभद्र में केंद्रीय मंत्री पर व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी की थी। राय ने कहा था कि राहुल गांधी राजीव गांधी अमेठी की सीट पर चुनाव लड़े हैं, कई कल कारखाने लगाए हैं, अब आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से 2024 का चुनाव लड़े। बयान के बाद स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि सुना है राहुल गांधी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझू? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? उन्होंने तंज कसते हुए स्क्रिप्ट राइटर रखने की सलाह दी है। बता दें कि हाई प्रोफाइल अमेठी सीट अक्सर चर्चा का केंद्र बनी रहती है। इस सीट से स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था। अजय राय के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।